आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राजपथ पर नजर आया देश का दम, 70वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को दी एक और सौगात, 15 सालों का सिंचाई कर माफ करने की घोषणा। मुख्यमंत्री कमलनाथ युवाओं को देंगे अस्थायी रोजगार, युवा स्वाभिमान योजना करेंगे लागू। गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्रियों की भद्द पीटी, हिंदी में भाषण तक नहीं पढ़ पाए मंत्री। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की बेबाक बयानी, मैंने कभी नहीं कहा ये मेरा आखिरी चुनाव। अब मध्य प्रदेश में गन्ना किसान परेशान, किसानों ने बेमियादी आंदोलन शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। देश के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि थे। राजपथ पर परेड में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में नजारा देखने लायक था। लॉन्स नायक शहीद नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी मां और पत्नी मंच पर पहुंचे। इस दौरान आकाश से लेकर जमीन तक कड़ी नजर रखी गई थी। एंटी एयरक्राफ्ट गन स्वाट महिला कमांडो सुरक्षा में तैनात किए गए थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर महिला शक्ति दिखी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। इस बार महिला जवानों ने इतिहास रच दिया है। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी पुरुषों की टीम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने भारतीय सेना की सर्विस कॉर्प का नेतृत्व किया। इस मार्चिंग कंटिंजेंट में उनके अलावा कोई महिला जवान नहीं थी। वहीं एक बच्चे की मां मेजर खुशबू कंवर ने आसाम राइफल्स के कंटिंजेंट का मोर्चा संभाला। रॉब्स ऑफ सिग्नल्स की कैप्टन शिखा सुरभी ने बाइक पर स्टंट दिखाए। उन्होंने कहा, मैं परेड के डेयरडेविल सेगमेंट में हिस्सा लेने वाली पहली महिला हूं। लेफ्टिनेंट अंबिका सुधाकरन ने भारतीय नौसेना के कंटिंजेंट का नेतृत्व किया। इस दस्ते में 144 युवा नाविक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा के लिए पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पहले खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को एक और सौगात दी और उनका 15 सालों का सिंचाई कर माफ करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे पता है कि 15 साल से प्रदेश के लाखों किसानों का सिंचाई कर लंबित है, लेकिन ये सरकार किसानों की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार 15 साल से लंबित किसानों का 207 करोड़ का सिंचाई टैक्स माफ कर रही है। बघेल ने कहा, किसानों को कर्ज के कुचक्र से मुक्ति दिलाए बिना उनकी और गांव की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती। इसीलिए हमने मंत्री परिषद की पहली बैठक में 16,65,000 किसानों का लगभग 6,230 करोड़ रुपए का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को अस्थायी रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की जा रही है। इसमें शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर नागरिकों के नाम अपने संदेश में नई योजनाओं की चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि युवा शक्ति के हाथ में प्रदेश का भविष्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा में परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है।
जरूरत केवल युवा प्रतिभाओं को निखारने की है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। कमलनाथ ने कहा कि रोजगार के दौरान युवाओं को उनके पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना में 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा और फरवरी माह में ही रोजगार और कौशल देने का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने संविधान के निर्माण से जुड़ी सभी महान विभूतियों एवं स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने काम शुरू करते ही पात्र किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकी नीति में बदलाव करते हुए शासन की सहायता लेने वाले उद्योगों में कम से कम 70% रोजगार प्रदेश के ही लोगों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजनों, दिव्यांगों एवं कल्याणियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। इसे पूरा करने में पहला कदम बढ़ाते हुए अप्रैल से पहले सप्ताह से मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। हर साल इसमें बढ़ोतरी होगी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन उनकी जो कथनी करनी है उसमें अंतर साफ नजर आ रहा है। वो युवाओं को आंशिक रोजगार देने के मूड में नजर आ रहे हैं। खबरों पे हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देना बैंक की ओर से सभी देशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के दर्शकों को और भोपाल निवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत विष्णु सक्सेना का नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस पर अपने दिल के अंदर देश की प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए, देश की उन्नति के लिए एक भाव जागृत करें और देश को ऊपर उठाने की जितनी तमाम कोशिशें हो सकती हों वो करें। देश के प्रति उनका ये सबसे बड़ा भाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य का प्रतीक केसरिया, शांति का सफेद और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया और नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास के कार्य जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई, जल प्रदाय, नगरीय अधोसंरचना आदि विकसित करने को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। राज्यपाल ने ध्वजारोहण के पश्चात गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। हर्ष फायर के बीच पुलिस बैंड दल ने उप निरीक्षक सुनील कटारे के निर्देशन में जनगणमन की धुन बजाई। राज्यपाल ने हर्ष के प्रतीक रंगीन गुब्बारे भी छोड़े। परेड कमांडर SDOP आशुतोष बारगी और परेड 2IC उप पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार निंगवाल के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस परेड का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा, प्रदेश के विकास के लिए सरकार तत्पर है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसमें हमारे संविधान की बड़ी भूमिका रही है और आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक ऐसे सर्वस्पर्शी देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें जो हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्य बनाए रखने हुए आज के विश्व में अपना स्थान बनाए। संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष के नाते भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सभा के सभी सदस्यों के हम आभारी हैं जिन्होंने हमें विश्व का सबसे वंदनीय संविधान दिया।
आज हम अगर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है तो वह उनके बनाए संविधान की ही देन है। परेड के पश्चात विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लोक सांस्कृतिक विभाग के कलाकारों ने भील जनजाति का मनमोहक भगोरिया लोकनृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद 20 विभागों ने विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संदेश देती हुई आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया। बात गणतंत्र दिवस समारोह की चल रही है तो मंत्रियों का ठीक से पढ़ा लिखा न होना उनकी जग हंसाई का कारण बन जाता है। ऐसे ही वाक्य गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह देखने को मिले। ग्वालियर में जहां महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी मुख्यमंत्री का संदेश नहीं पढ़ पाई, वहीं ऐसा ही हाल बस्तर में देखने को मिला जहां उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी संदेश नहीं पढ़ पाए और ये काम कलेक्टर को करना पड़ा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री इमरती देवी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। ताजा मामले ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवालिया निशान लगा दिया। हुआ यूं कि मंत्री साहिबा गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्पीच नहीं पढ़ पाई और इस काम को उन्होंने कलेक्टर से करने को कहा। मंत्री की इस हरकत पर ठहाके भी लगे। देखते ही देखते उनका यह वीडियो तेजी से लोगों के बीच वायरल हो गया। ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड में 26 जनवरी के एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री इमरती देवी ने शिरकत की, लेकिन उन्हें कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल कार्यक्रम के दौरान पेपर पर लिखा संदेश पढ़ने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। बमुश्किल वे 50 शब्द ही पढ़ सकी होंगी। इसमें भी उन्होंने कई गलतियां की। वे निर्माण जैसे मामूली शब्द को पढ़ने में काफी बार अटकी। कुछ शब्द पढ़ने के बाद उन्होंने बाकी का बचा संदेश नहीं पढ़ा। उन्होंने यह कहते हुए संदेश पढ़ना छोड़ दिया कि कलेक्टर साहब पढ़ेंगे, जिसके बाद बाकी का संदेश वहां मौजूद ग्वालियर के कलेक्टर भरत यादव ने पढ़ा। सम्राट के उस वीर दिवस को और सेनानियों का कीर्तिमान पूर्ण स्थापित करती हूं। कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। मंत्री इमरती देवी के संदेश ना पढ़ पाने की चौतरफा किरकिरी होने के बाद इमरती देवी ने अपनी सफाई में कहा कि वे बीमार हैं। उन्होंने कहा, मैं पिछले 2 दिनों से बीमार थी, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि इमरती देवी 12वीं पास हैं और डबरा विधानसभा सीट से लगातार 3 चुनावों में जीत दर्ज कराती आई हैं। कहा जाता है कि वे कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान उन्होंने खुले मंच से सिंधिया के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की थी। राजनीति की किरकिरी करवाने वाले सिर्फ एमपी में हो ऐसा नहीं है। जगदलपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रोटोकॉल के तहत जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करने वाले मुख्य अतिथि को ध्वजारोहण के बाद सीएम का संदेश वाचन करना होता है, लेकिन मंत्री कवासी लखमा के सामने एक बार फिर उनके ना पढ़ पाने की समस्या आ गई और सीएम के संदेश को जिला कलेक्टर अय्याज तंबोली ने पढ़कर जनता तक पहुंचाया। यह अवसर भारत के गौरवशाली अतीत को याद करने का है, जिसके 2 महान अध्याय है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। भारत को आजादी दिलाने के लिए अनगिनत लोगों ने जान की बाजी लगाई थी। भारत का संविधान बनाने में भी अनेक महान विभूतियों का अथक योगदान दर्ज है। देश के 7 दशकों के सफर को दिशा देने वाली विभूतियों तथा तन मन धन से योगदान देने वाले जन जन को मैं नमन करता हूँ। बता दें कि उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा कोंटा विधानसभा से 5 बार के विधायक हैं और उनकी गिनती प्रदेश के कुछ सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं में की जाती है। लेकिन अति पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाले लखमा को कभी पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। संगठन ही तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि यदि मैं कहूं कि ये मेरा आखिरी साल है और यमराज कहें कि तुम्हें 10 साल जीना है तो मैं क्या कर सकती हूं? मैंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। ये संगठन ही तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं।
वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन द्वारा उनके सामने चुनाव लड़ने की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सभी स्वतंत्र हैं। प्रियंका गांधी के कांग्रेस में प्रवेश को लेकर ताई ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई है कि इतने बड़े देश की राजनीति संभालना उनके अकेले के बस की बात नहीं है, इस कारण वे प्रियंका गांधी की मदद ले रहे हैं। ये तो हुई बात ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन की। फिलहाल लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम है उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवावासी पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। पर्क चिन्ह की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइडल सैलून की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी शहर एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस राष्ट्रीय त्यौहार को सभी देशवासी बहुत उमंग और उत्साह से मनाएं। सबके साथ एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइडल फैमिली सैलून की तरफ से सभी देशवासी और भोपाल वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मधुरम ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरह हम लोग साथ मिलकर संगठित होकर सर्वधर्म समभाव के भाव से आगे बढ़ते रहें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर तरफ किसानों की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक किसानों के गुणगान कर रही है। वहीं गाडरवारा में परेशान गन्ना किसानों ने गन्ने के सही दाम ना मिलने के कारण एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। किसानों का कहना है कि जब तक गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलेगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। हाल ही प्रदेश में डेढ़ दशक बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसका मुख्य कारण किसान रहे हैं, क्योंकि सरकार ने किसान कर्ज माफी की सौगात किसानों को दी थी। लेकिन नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। गाडरवारा में गन्ना किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने गन्ने का सही मूल्य नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। किसानों ने बताया, हाल ही में कलेक्टर ने गन्ने का मूल्य 294 तय किया है, उसे शुगर मिल संचालक नहीं मान रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं और अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। हाल ही में डेढ़ दशक बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, जिसका मुख्य कारण किसान है। तो आज हम यहां गाडावारा में मौजूद हैं, किसानों का आज धरना हुआ है और इस सिलसिले में हम बात करेंगे किसान युवा किसान नेता विनायक परिहार जी से। सर बताइए, ये जो धरना दिया गया है इसका क्या कारण है? आज धरने का पहला दिन नहीं था, हाँ गाडावारा तहसील में जरूर पहला दिन था। हम लोग का आंदोलन विगत एक माह और विगत एक माह ना कहें विगत दो तीन वर्षों से चल रहा है, जिसमें हम लोग की प्रमुख मांग है कि रिकवरी के आधार पर गन्ने का मूल्य जैसा शासन का नियम कहता वो किसानों को मिलना चाहिए। शासन के नियमानुसार 15 दिन में किसानों का पूरा भुगतान होना चाहिए और शक्कर मिलों ने जो पिछले साल का पेमेंट नहीं किया पूरा वो भुगतान तुरंत किसानों को मिलना चाहिए। ये तीन प्रमुख मांगों को लेके हम लोगों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। आंदोलन के चलते जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। कलेक्टर महोदय ने जो सरकार के नियम हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, उनके तहत शुगर मिलों को रिकवरी के आधार पर 294 का भुगतान करने का आदेश भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी शक्कर मिलें अपनी मनमानी पर उतारू हैं और कलेक्टर महोदय का जैसा आदेश है कि 22 तारीख से ये मिलना चाहिए, अभी तक आज 25 तारीख हो गई,
294 प्रति क्विंटल का भुगतान नहीं मिल रहा किसानों को, इसलिए आज किसान पुनः यहाँ तहसील कार्यालय में इकट्ठा हुए थे, लेकिन आज फिर कलेक्टर महोदय ने एसडीएम के माध्यम से किसानों को आश्वस्त किया है कि हम 22 तारीख से ही रिकवरी के आधार पर 294.20 रुपये का भुगतान किसानों को कराने कृतसंकल्पित हैं और करा के छोड़ेंगे। थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया समय लेती है, इसलिए किसानों ने आज तय किया है कि 5 दिन कलेक्टर महोदय की कार्रवाई का इंतजार करेंगे और फिर 1 तारीख से अगर कहीं नहीं होता तो 1 तारीख से पुनः आंदोलन करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो आगे प्रदर्शन उग्र रूप ले सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितने जल्दी हरकत में आता है या फिर किसानों को कोई नया आश्वासन देकर यूं ही बैठाल दिया जाता है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं अभिषेक मेहरा, दखल न्यूज, गाडरवारा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नरसिंहपुर कलेक्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी फसल का सही दाम दिलवाया जाएगा। साथ ही गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल धरना स्थल पहुंची, किसानों से बातचीत कर किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही किसानों की मांग मानी जाएगी और किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसानों का कहना है यदि समय सीमा के अंदर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे आंदोलन उग्र भी हो सकता है। छतरपुर में कलेक्टर मोहित बुंदस ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण की बात कही। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे जिला कलेक्टर मोहित बुंदस। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह के साथ मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। शहर के बाबू राम चतुर्वेदी स्टेडियम में इस आयोजन में रंगारंग कार्यक्रम हुए। एक बुरी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। रायगढ़ में एक तेज रफ्तार बोलेरो पुल से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। रायगढ़ में संस्कार स्कूल के पास निर्माणाधीन पुलिया से बोलेरो वाहन नीचे गिर गया। बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बाकी घायलों का इलाज रायगढ़ जिला अस्पताल में जारी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया, एक तो पुलिया निर्माणाधीन थी, दूसरे वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक अपना संतुलन खो बैठा और हादसा हो गया। गाडरवाड़ा में चीचली रोड पर अचानक चलते ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर चालक सुरक्षित बच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रैक्टर चालक अपने खेत से ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहा था कि अचानक रेलवे गेट के पास ट्रैक्टर में आग लग गई। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। मौके पर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने में अहम भूमिका निभाई। प्रहलाद कौरव जी के द्वारा सूचना दी गई थी कि चिचली रोड पर एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई है। जो सूचना पर तत्काल पुलिस बल के साथ यहां पर आए और जो उपलब्ध संसाधन थे उससे आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग थोड़ा नियंत्रण में आई, उसके बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी, जिससे अभी ट्रैक्टर में जो आग लगी हुई थी वो पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ चुकी। एक खबर विदेश से, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में एक बांध शुक्रवार को ढह गया। इससे निकले सैकड़ों टन कीचड़ की जद में आकर बेलो हॉरिजॉन्टा शहर के पास रहने वाले कई लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा 200 तक पहुंच सकता है। ये जानकारी स्थानीय अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने दी। बांध ब्राजील की सबसे बड़ी खनन कंपनी बेल का था जिसने इसके ढहने की पुष्टि की है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि उनकी प्राथमिकता कर्मचारियों और बांध के आसपास रहने वालों को बचाना है। एक अधिकारी ने बताया कि इस आपदा से निपटने के लिए अभी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वह ब्रह्मदिनों के आसपास तक ही सीमित है। यही वजह है कि हताहतों की सही संख्या का पता नहीं चल पा रहा है। दखल न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।